आरएसएस के गढ़ में होगी कांग्रेस की जीत। नागपुर में कांग्रेस को क्यों है जीत की उम्मीद? नितिन गडकरी की राह नहीं इतनी आसान। लोकसभा चुनाव में कई बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। बात अगर की जाए महाराष्ट्र की नागपुर लोकसभा सीट की, तो ये सीट काफी चर्चाओं में बनी हुई है। वजह है नितिन गडकरी, क्योंकि यहाँ से बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीट कांग्रेस की गढ़ रही है, लेकिन पिछले दो चुनावों में यहाँ बीजेपी की जीत हुई है कि 2019 चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 10% तक बढ़ गया था। नागपुर में लोग बेरोजगारी और नागरिक सुविधाओं जैसे स्थानीय मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, और जाति के डायनामिक्स को देखते हुए कांग्रेस का मानना है कि इस बार उसके पास एक मौका है। नितिन गडकरी को मोदी सरकार में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय मंत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। गडकरी मोदी सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों और पिछले दो कार्यकालों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट मांग रहे हैं। नागपुर में एक जनसभा में आत्मविश्वास से भरे गडकरी कहते हैं कि जीत के बारे में कोई संदेह नहीं है, लेकिन हमें नागपुर में बीजेपी के लिए 75% वोट शेयर के लिए कोशिश करनी चाहिए। वहीं उनके समर्थकों का कहना है कि वो इस बार उन्हें 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने में मदद करेंगे। नागपुर महाराष्ट्र की उन 5 सीटों में से एक है जहां 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। नितिन गडकरी 2014 में 2,16,000 वोटों से जीते थे और 5 साल बाद उनका वोट शेयर और जीत का अंतर दोनों बढ़ गया। 2019 में कांग्रेस का वोट शेयर भी बढ़ गया था। नितिन गडकरी शहर के हर कोने में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बात दोहराते हुए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, नितिन गडकरी को 65% वोट मिलेगा। हमें विश्वास है कि हमारी जीत का अंतर बढ़ेगा। बुनियादी ढांचे के विकास में उनका काम उनकी सफलता है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बड़े विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी की उपस्थिति को मजबूत करने में वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन पिछली बार अंदरूनी कलह से बेपरवाह कांग्रेस का मानना है कि उसके पास नागपुर कांग्रेस अध्यक्ष विकास ठाकरे के रूप में एक मजबूत स्थानीय उम्मीदवार है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि वे 2019 के विपरीत एक बेहतर विकल्प है, जब वर्तमान प्रदेश कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले को एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा गया था। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि नागपुर के पूर्व मेयर के रूप में अपने कार्यकाल के कारण विकास ठाकरे एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं और उन्हें एक शानदार नेता के रूप में भी देखा जाता है। वर्तमान में वे नागपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। फडणवीस ने 2 बार इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस यहाँ पर जीत दर्ज करती है या फिर भरोसा लोगों का अभी भी नितिन गडकरी पर है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।